Sean. नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से एमएसपी पर 21 मार्च से गेहूं, चना, मसूर और सरसों खरीदने का लिया फैसला। सरकार सिर्फ पंजीकृत किसानों से एमएसपी पर करेगी खरीद। सभी किसानों को एमएसपी पर उपज बेचने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य। पिछले वर्ष का पंजीयन इस वर्ष मान्य नहीं। किसानों को मंडियों में फसल लाने के लिए एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी जानकारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आपदा प्रबंधन योजना का किया विमोचन। आपदा प्रबंधन के लिए ग्रामीण स्तर पर योजना तैयार करने पर दिया जोर। ग्राम स्तर पर युवाओं को दिया जाएगा आपदा प्रबंधन कौशल। मध्य प्रदेश में किसान के खाते में अब बैंक नहीं रोक पाएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि का भुगतान। कृषि मंत्री ने कहा, किसान ने बैंक से कर्ज भी लिया है तो वे भी राशि उसके खाते में पहुंचेगी। और अब समाचार विस्तार से। रबी फसलों की कटाई की शुरुआत के साथ ही राज्य सरकारों ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कई राज्यों में इसके लिए किसानों के पंजीकरण का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों खरीदने का फैसला लिया है, जिसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में किसानों से चना, मसूर और सरसों के समर्थन मूल्य पर खरीदी 21 मार्च से प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने 5 फरवरी से 5 मार्च के मध्य किसानों से आवेदन मांगे थे, जिसमें गेहूं के लिए पंजीयन अवधि को बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया गया है। सरकार अब इन पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों खरीदने जा रही है, जिन्होंने इस दौरान अपना पंजीयन कराया था। सभी किसानों को समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पिछले वर्ष का पंजीयन इस वर्ष मान्य नहीं होगा। किसानों को मंडियों में फसल लाने के लिए एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं। इन मूल्यों पर ही केंद्र सरकार की एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न राज्य के किसानों से खरीदी की जाती है। रबी वर्ष 2022-23 का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार है। गेहूं 2015 रुपये प्रति क्विंटल, चना 5230 क्विंटल, मसूर 5500 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों 5050 रुपये प्रति क्विंटल। और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आपदा प्रबंधन में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ग्रामीण स्तर पर योजना तैयार करने पर जोर दिया है। राजधानी नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना का विमोचन करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में पंचायतों के विकास का मास्टर प्लान बनाते समय आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखा जाए। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के जरिए गाँव में पंचायतों को विकास का एक मॉडल तैयार करने के रूप में स्थापित किया है और अभी इसी क्रम में गाँव में आपदा प्रबंधन का प्लान भी जारी कर दिया गया है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अभी हमारे साथ मौजूद है इस विषय पर बात करने के लिए। अब तक गाँव में विकास का प्लान बनता था, लेकिन आपदा प्रबंधन का भी प्लान बन रहा है। ये प्लान क्या है और किस तरह इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे? नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके निर्देशन में अब तक हम पंचायतों का ग्राम सभा करते, एनुअल प्लान बनाते, अब हमने टेक्नोलॉजी का साथ लिया। आपदा में अब मुझे लग रहा है कि अब जो शुरुआत हमने जीपीडीपी को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है और पंचायतों का होलिस्टिक मास्टर प्लान, अब ये आपदा प्रबंधन। और मेरा मानना है कि हमारे 32 लाख जीत से ऊपर जीते हुए प्रतिनिधि होते, और मैंने आज आग्रह किया है रनर और विनर, हारे और जीते, यानी
70 लाख की संख्या होती, फिर जिला पर पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर विधायक, फिर सांसद, ये तो प्रतिनिधि हारे और जीते को मैं इस गोल में सम्मिलित करना चाहता हूँ। इस कार्य में किस तरह वॉलंटियर्स को अपन गांव में तैयार करेंगे और भूमिका पीपीपी मॉडल की क्या रहेगी? आज देश में समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता डिजास्टर मैनेजमेंट में। कभी कभी तो सरकार लेट से पहुंचती, समाज पहले पहुंचता। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसमें हम पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी उतना ही महत्व देंगे, या कहें कि वो एक मेरे पिलर के रूप में होंगे। पहाड़ हो, मैदान हो, समुद्र हो, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की आपदाएं आती है और अलग अलग तरह के लोगों की कुशल जरूरत होती है। ऐसे में एनडीए में जैसी संस्थाओं के जरिए ग्राम स्तर पर किस तरह हम कुशल प्रशिक्षक तैयार करेंगे? देखिए, जहां बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा, जहां बड़े बड़े चीजों का, तो उसको तो एनडीएमए जो उनकी एक्सपर्टीज है वो तो रहेगा, पार्टिसिपेशन भी करेंगे और डिजास्टर एनडीएमए के टेक्नोलॉजी को भी साथ लेंगे। तो यदि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका मानना है कि वो ग्राम विकास के एजेंडे को लेकर सर्वांगीण विकास कार्य योजना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में गाँव में अब आपदा प्रबंधन का न केवल कार्य योजना बनाने का खाका तैयार किया जाएगा बल्कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार एनडीएमए जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग करके कुशल प्रशिक्षक तैयार करने का काम भी किया जाएगा। मेरे सह की कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मोपी यादव। देश और प्रदेश के किसानों के लिए संकट के समय में संजीवनी बनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि। अब अगर किसान ने बैंक से कर्ज भी लिया है तो ये राशि उसके खाते में पहुंचेगी और उसे ये राशि दी जाएगी। अब बैंक किसान के खाते को ना होल्ड कर पाएंगे और ना ही एटीएम ब्लॉक कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री कमल पटेल की तत्परता से ऐसा संभव हो पाया है कि अब किसान के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि आती है तो वह इस राशि का उपयोग अपने परिवार के गुजर बसर के लिए कर सकता है। बीते दिनों कृषि मंत्री को किसानों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि फसल बीमा योजना की राशि उनके खातों में आई लेकिन बैंक ने उनके खातों को होल्ड कर दिया और पैसा निकालने के लिए एटीएम ब्लॉक कर दिया। फसल बीमा योजना की राशि को के लिए किए गए कर्ज में समायोजित कर दी गई है। कृषि मंत्री की तत्परता और निर्देश पर बैंकों ने प्रदेश में किसानों को ये राशि देना शुरू कर दी है। और हरियाणा में शनिवार से 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू होने जा रहा है जिसमें 30 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। मेले का हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उद्घाटन करेंगे जबकि समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। आगामी 19 मार्च यानी शनिवार से हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरज कुंड मेला ग्राउंड में 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 शुरू होने जा रहा है। ये मेला देश भर के हजारों शिल्पकारों को अपनी कला और उत्पादों को व्यापक रूप से दर्शकों के समक्ष प्रदर्शित करने में मदद करता है। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत भी देखने को मिलेगी। ये जो महामारी हमारे पूरे देश में छाई हुई थी, कोविड की महामारी, उसके कारण हम पिछले वर्ष इस मेले का आयोजन नहीं कर सके और इस वर्ष भी जो बसंत पंचमी के समय पे ये मेला होता है उस समय नहीं कर पाए क्योंकि ओमिक्रॉन की जो म्यूटेंट है वो देश के कई हिस्सों में हावी हो गया था और अब हम होली के उपरांत 19 तारीख का इसको उद्घाटन करके इस मेले को 3 से ज्यादा सप्ताह चालू कर सकेंगे क्योंकि इस मेले का एक इतिहास है। 1987 में शुरू हुआ, पहले सिर्फ भारतीय राज्य और कुछ हिस्सों में ये सीमित था लेकिन 2013 के बाद ये मेला इस मेले ने एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ले लिया। इस साल मेले में 30 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इनमें उज्बेकिस्तान को साझेदार देश का दर्जा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर 35वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम स्टेट है जो राज्य के विभिन्न कला रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगा। मेले के दौरान देश भर के कलाकारों सहित विदेशी कलाकारों के द्वारा भी शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। मेले का दीदार करने के लिए ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था की गई है जिसके लिए दर्शकों को प्रति टिकट ₹120 की दर से भुगतान करना होगा जबकि सप्ताह के अंत में यह दर ₹180 की दर से भुगतान करना होगा। एक लंबे अंतराल के बाद हरियाणा के सूरज कुंड में फिर से अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला शुरू होने जा रहा है। इस बार इस मेले के अंदर
30 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन नारायण मूर्ति और विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, सूरजकुंड, हरियाणा। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक गैर सरकारी संगठन वाइट ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना की है। इस कौशल विकास केंद्र की स्थापना विशेषकर उन लड़कियों के लिए की गई है जो गरीब परिवारों से संबंधित हैं और जिनके पास रोजगार का कोई बड़ा स्रोत नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं के विकास के लिए सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन इसके साथ ही गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज भी विभिन्न गतिविधियों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गैर सरकारी संगठन वाइट ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन ने डल झील के पीछे वाले इलाके में स्थित रैनावाड़ी में पहला कौशल विकास केंद्र स्थापित किया। वाइट ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष शेख सबा ने कहा कि भविष्य में विभिन्न गतिविधियों के साथ और भी केंद्र स्थापित करने की योजना है। हमने ये सेंटर खोला है स्किल डेवलपमेंट के तहत, लाइक कि हम अपनी लड़कियों को एम्पावर कर सकें ताकि वो अपने कदमों पे खुद खड़ी हो जाएं, अपना अपनी जो घर का खर्च है वो खुद इसके ज़रिए से कमाना सीखें। उनमें एक विल पावर आएगा, उनमें एक स्ट्रेंथ आएगी, दे कैन फेस द वर्ल्ड। जैसे हम देखें कि इस इलाके से लड़कियों को सामने लाना, ये एक इट्स अ चैलेंज एंड वी वॉन्ट टू डू दिस। हम ऐसे और भी सेंटर्स खोलना चाहते हैं आगे इंशाल्लाह ऐसे ही इलाकों में, ताकि इन लड़कियों को एक्सपोजर मिले, वो हमारे साथ शाना बशाना चल सकें जैसे हम लोग हैं, वैसे इनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे एजुकेशन में, चाहे सिलाई में, चाहे बाकी चीज़ों में। प्रशिक्षण हासिल करने वाली लड़कियों ने बताया कि इससे उन्हें रोज़गार मिलेगा। अब हर औरत की एक उम्मीद होती है, वो उम्मीद होती है जो एक जिसने एजुकेशन हासिल नहीं की है उसका होता है घर बैठे घर का काम करना, लेकिन वो इसके साथ भी रह सकती है। अब है एजुकेशन, जो जिन्होंने टेंथ किया है अंडर 10+2 किया है उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये, चाहे मेरे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है कि उनको आगे इसी से हेल्प हो जाए, खुद के लिए जो उनका खुद का खर्चा है वो इसी पे हो जाए। यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, कभी मतलब किसी ने 10th तक पढ़ा है, किसी ने 8वीं तक पढ़ा है, कोई 10th पास है, वो सब घर पे ही बैठते हैं। वो बोलते हैं अगर हमें यहाँ कोई सेंटर वेंटर आएगा हम मतलब जाएंगे, हम मतलब कुछ सीखेंगे वहाँ पे, फिर शादी के बाद कुछ मतलब पैसे वैसे खर्चे वर्चे होते हैं, इसीलिए हम मतलब बोलते हैं अगर कोई मतलब कोई पढ़ती है लड़की, फिर वो मतलब वो घर पे बैठती है, वो बोलती है हमें कुछ काम करना चाहिए। हम बहुत ही खुश हैं कि यहाँ पे एक सेंटर लाया गया है जिससे हमें एक जॉब मिलेगी, हम सीखेंगे ये तो हम फिर घर में भी कर सकते हैं ये, अगर हम यहाँ अगर हमें यहाँ पे सिखाया गया तो हम फिर घर में भी एक मशीन ला सकते हैं तो हमारा रोज़गार भी चल सकता है, तो घर में हम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मशीन्स के मटेरियल आया गया है, मशीन स्केल्स, कैंचीज, एसेट्रा, बहुत सारा सामान आया गया है। हम बहुत ही खुश हैं कि आज हम 50 लड़के यहाँ लड़कियाँ लगभग जमा हुई हैं। हम चाहते हैं कि आज एक सेंटर, कल बहुत ज़्यादा सेंटर लाए जाए यहाँ पर, ताकि हम भी अपना रोज़गार कर सकें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर में राजौरी के बंबल कोचरवाल नरला इलाके के लोगों को सड़क की सुविधा मिली है, जिसकी बदौलत यहां के लोग काफ़ी खुश हैं। भारत सरकार द्वारा पहली बार इस इलाके को सड़क और बिजली की सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बंबल कोचरवाल नरला इलाके के लोगों को सड़क की सुविधा मिलने से आने जाने में काफ़ी सहूलत हुई है और इससे यहाँ के लोगों को रोज़गार पाने में भी आसानी हुई है। आज नरला में जब रोडों को तकिए तो ऐसे लगते हैं कि दिल्ली का चौक लगता है नरला भी, लेकिन आज नरला भी जम्मू को ना लियो नरला बोलता है, राजौरी में ना लियो नरला बोलता है, दिल्ली में ना लियो तो नरला ज़रूर बोलता है कि नरला, श्रीनगर में भी नरला बोलता है, लेकिन मेरे बनने से पहला नरले का नाम या निशान ही नहीं था देनी कोई। अल्लाह का शुक्र है आज लाइट भी है और रोडें भी चल रही हैं PMG की, और बहुत बड़ा अच्छा काम चल रहा है नाले की, रोडें का अच्छा काम चल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। रोड की वजह से भी हमें बहुत सफलता हुई है, क्योंकि पहले की हमें रोड भी नहीं था जहाँ से, जैसे कि मैं रियासी में पढ़ती हूँ, मेरे को वहाँ जहाँ से पहले रनसू में जाना पड़ता था, फिर वहाँ से जाना होता था मेरे को कॉलेज रियासी में। अब रोड की वजह से हम घर में गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, कभी कभार हमें रियासी से आते गाड़ी नहीं मिलती थी, हम जो रोड अभी आया है
जब फिर अंशु का रास्ते रात ना होता था, रास्ते में अंधेरा भी हो जाता था। अब गाड़ियों की वजह से हमें ये हो गया कि आसान हो गया घर में आना जाना। पहले गरीबी थी, इस रोड आने से हमने गाड़ियों में निकाली सर, कोई काम भी है सर, पहले कुछ काम भी नहीं था। जब जब ये रोड आई है, जब से हम यहाँ ड्राइवी है सर, गाड़ी भी मैंने अपनी खुद ली सारी ले ली यहाँ पे सर। तो मैं ये शुक्र गुजारा चाहता हूँ गवर्नमेंट PMGSY का कि हमको ये थोड़ा दिया, काम दिया उन्होंने, रोड दिया। इस रोड आने से हमें बहुत सहूलत हुई है हमसे यहाँ पे। हम गरीबी जैसे बंदों की यहाँ पे मैं ड्राइवरी करता हूँ इस लाइन रोड पे, इससे हमें थोड़ा फायदा हुआ है सर। ये रोड बनने से बहुत ही मतलब बहुत ही सहूलतें मिल गई हैं। ये लोग के हर लोगों ने इतनी छोटी छोटी गाड़ियाँ डाली हैं। पहले ये लोग जाते थे यहाँ से जो 3 दिन में वापस आना होता था, कोई बीमार हो जाता था वो 2-3 दिन में जम्मू पहुँचता था। अब ये यहाँ से जाते हैं 2-3 घंटे में रजौरी पहुँच जाते हैं, जम्मू पहुँच जाते हैं 4-5 घंटे में। बड़े खुश लोग हैं, दुकानें कर ली उन्होंने, मुलाजिम देखो यहाँ के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो टाइम पर आ रहे हैं, टाइम पर रहते हैं, काफ़ी सहूलतें हैं लोगों को। सामान घर घर में इनको मिलता है, गाड़ियाँ आ रही हैं, सब्जी वाली गाड़ियाँ आ रही हैं घर में, सब्जी मेरे इन लोगों को कहाँ सब्जी पहले मुहैया होती थी। तो काफ़ी मतलब PMGSY का रोड बनने से काफ़ी जो दूर दराज के लोग हैं जितने, वो आके यहाँ पर गाड़ियाँ पकड़ते हैं और टाइम से जाते हैं और टाइम से आ जाते हैं। हम कभी भी किसी टाइम भी यहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए, यहाँ पे तो हॉस्पिटल हैं लेकिन अगर हमको यहाँ से रेफ़र किया जाता है, हम जैसे कालाकोट मोगला वगैरह वहाँ पे भी आसानी के साथ गाड़ी में जा सकते हैं। बहुत दूर से मास्टर स्कूल में आते थे पैदल, कई बार पहुँचते ही नहीं थे। अब तो रोड बनने से टाइम टू टाइम यहाँ स्कूल में टीचर भी पहुँच जाते हैं। और उसके बाद कोई बीमार हो जाता था तो कई लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ देते थे, अब तो गाड़ी से 2-3 घंटे में रजौरी सुंदरबनी कहीं भी जा सकते हैं। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसान समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक हरियाणा के नूह जिले के अल्दुका गांव में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस शिविर में काफी संख्या में किसानों और ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच कराई। पेश है एक रिपोर्ट। ये है हरियाणा में अल्दुका गाँव के वो ग्रामीण जो अपने स्वास्थ्य की जाँच करा रहे हैं। जी हाँ, जिला नूह में ONGC के सहयोग से जन आरोग्यम कार्यक्रम के तहत बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS द्वारा आयोजित इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को लेकर ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आए। अल्दुका गांव में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है, कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, बात करते हैं कितना उनको फायदा मिल पा रहा है। क्या कहेंगे आप, कितना फायदा मिल रहा है? देखो जी, बढ़िया काम चल रहा है वैसे, यहाँ दवाई बोल इनका बढ़िया आराम होता है, एक बार तो बहुत बढ़िया काम है। पहले हमें पलवल जाना पड़ता था, नूह जाते हैं, कभी कहीं दूर जाते हैं, सोना जाना पड़ता, हमें दूर जाना घना पड़ता था। अब हमें टाइम को टाइम दवाई मिल रही है, आते हैं जब ही डॉक्टर भक्कर दवाई देते हैं, चेक करते हैं हमको। खूब फायदा सबके, कोई पैसा धेली ना आए अभी, और दवाई गोली भी बढ़िया मिल रही है। ये शिविर अल्दुका गाँव के जन आरोग्य केंद्र में आयोजित किया गया। पिछले महीने ही फरवरी 2022 में अल्दुका में इस स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की गई है। इसके सफल शुभारंभ के साथ ही विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में एक बड़ा बदलाव आया है। मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि ONGC के CSR इनिशिएटिव के तहत
हमारे न्यू डिस्ट्रिक्ट में बसनोली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के द्वारा एक रिसेंटली जन आरोग्यम कार्यक्रम चलाया गया है जो कि विलेज अल्दुका डिस्ट्रिक्ट नू में है। इस अभियान के तहत जो भी उस गांव के लोग हैं उनको सारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें ओपीडी है, जनरल जो हमारे डे टू डे टेस्ट हैं। इस सीएसआर पहल का समग्र जोर ज़रूरतमंदों को सहायता प्रदान करना और इस पिछड़े क्षेत्र में स्वास्थ्य सूचकांकों को बेहतर बनाने में मदद करना है। जिला स्वास्थ्य प्रशासन और नीति आयोग ने इस पहल की सराहना की है। चिकित्सकों और तकनीशियन की देखरेख में ग्रामीणों की मधुमेह, एनीमिया, थायराइड और उच्च रक्तचाप की जांच की गई। इसमें ब्लड टेस्ट, बीपी और ऑक्सीजन सैचुरेशन स्तर की जांच भी शामिल रही। लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक किया गया। इसके अलावा ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयाँ भी दी गयी। भारत के सबसे पिछड़े जिले हरियाणा में स्थित नू के अल्दुका गांव में एक आधुनिक जन आरोग्य केंद्र की स्थापना की है। यहाँ निःशुल्क डॉक्टरी जांच, निःशुल्क टेस्ट और निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। आज डायबिटीज, एनीमिया और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों के इलाज के लिए एक विशेष चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है और करीब 2 दशक से विशेष रूप से वंचित लोगों के उत्थान में लगा है। अल्दुका गांव के लोगों को पहले दवाई के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, कई कई किलोमीटर चलकर इनको दवाई लेके आनी पड़ती थी, लेकिन अब इनके गांव में ये सुविधा हो गई है जिसकी वजह से ये काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अजय कुमार और प्रमोद कुमार के साथ गिरीश निशाना, नू, हरियाणा। और अब कुछ और खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, यानी सेगमेंट खास खबर। कर्नाटक के तुमकुर में हुए एक सड़क हादसे में 8 लोगों को मौत हो गई। हादसा पावागढ़ के पास बस के पलटने से हुआ। इसमें 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में 60 लोग सवार थे। हादसे के बाद घायल लोगों को तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल लोगों में कुछ छात्र भी शामिल हैं। यूपी चुनाव में मिली करारी हार के बाद से समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच दरार की खबरें आ रही हैं। तनाव की वजह से दोनों पार्टियों का गठबंधन टूटने की आशंका पैदा हो गई है। इन अटकलों को और अधिक बल इन खबरों से मिला है कि राजभर ने होली पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वैसे राजभर की पार्टी ने सपा से गठबंधन तोड़ने और भाजपा में शामिल होने की खबरों को निराधार बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर कहा कि चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना हो, या फिर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना हो, या फिर देश को आंतरिक सुरक्षा से महफूज करना हो, हर क्षेत्र में सीआरपीएफ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब से हर साल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर सभी राज्यों में इसे मनाया जाएगा। इससे यहां एक और जनता एवं सीआरपीएफ के बीच आत्मीय संबंध बनेंगे। वहीं सीआरपीएफ के जवानों में भी जनता के प्यार और सम्मान मिलने से गर्व की भावना आएगी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। चंडीगढ़ स्थित राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में 10 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में मंत्रियों को शपथ दिलाई। पंजाब में होला मोहल्ला उत्सव का जबरदस्त उत्सव देखा जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। होला मोहल्ला को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक प्रबंधन किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पारंपरिक नरसिंह शोभा यात्रा में शामिल हुए। होली को लेकर आयोजित इस शोभा यात्रा में लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।